नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर है कि उत्तराखंड बीजेपी की आज बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की मौजूदगी में बैठक होगी और जिसमें हारी हुई 23 विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। आज उत्तराखंड में पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे बीजेपी मुख्यालय में और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो दो दिवसीय दौरे पर हैं बीएल संतोष और यहां पर आज की जो बैठक है वो संगठन से जुड़े तमाम कार्यकर्ताओं के साथ होगी और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे। और जो 23 सीटें जिस पर बीजेपी को चुनाव में हार नसीब हुई थी उस पर मंथन किया जाएगा कि आखिर हार के क्या कारण रहे हैं। तो आज ये उत्तराखंड से बड़ी खबर, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की मौजूदगी में ये बड़ी बैठक होने वाली है। और रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं देहरादून से। रोहित, दो दिवसीय दौरे पे थे, आज ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, अब इस बैठक में क्या एजेंडा रहेगा? वो हारी हुई सीट को लेकर मंथन होगा या कुछ और भी एजेंडा रहेगा? जी देखिए अंजनी, तय प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष कल शाम 7 बजे देहरादून के जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट पहुंचे और वो सीधे वहां से बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचते हैं 7:45 पर। और करीब 8 बजे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में, रात 8 बजे जो राष्ट्रीय प्रभारी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, उनकी अध्यक्षता में मुख्यमंत्री और कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद रहते हैं। और जिस तरह से हमने पहले भी चर्चा की है कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की जब शपथ ली थी उसके बाद पहली कैबिनेट हुई थी जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा हुई थी, उस कैबिनेट बैठक से पहले ही भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश संगठन है, प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने संयुक्त रूप से दृष्टि पत्र जो है मुख्यमंत्री और सभी कैबिनेट मंत्रियों को सौंपा था। हाँ। और 100 दिन के एजेंडे के तहत सरकार को काम करने के लिए कहा गया था जी। और संगठन से इस बार, प्रदेश संगठन से लगातार जो है सरकार के कामकाज का फीडबैक जो है भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय हाईकमान और केंद्रीय संगठन ले रहा है और इसी के तहत जो है बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बीते रोज देहरादून पहुंचे थे, मुख्यमंत्री के साथ सभी कैबिनेट मंत्रियों से उनके विभागवार चर्चा की, शहरी विकास की बात करें या फिर हम ग्रामीण विकास विभाग की बात करें या फिर PMGSY की बात करें, लोक निर्माण, NH, स्वास्थ्य विभाग, महिला सशक्तिकरण, इन तमाम विभागों में 100 दिन के एजेंडे के तहत कितना कुछ कार्य हुआ है। और चूंकि 30 दिन गुजर चुके हैं और अब 70 दिन और बाकी हैं, 70 दिन में कितना काम हो सकता है ताकि प्रधानमंत्री के समक्ष एक विस्तृत रिपोर्ट जो है उत्तराखंड की 100 दिन की प्रस्तुत हो सके। हाँ। इसको लेकर चर्चा हुई। और जहां तक आज की बैठक है अंजनी, हाँ। ये बैठक अब से कुछ देर पहले शुरू हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में और बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, साथ में बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व जो नेतृत्व है वो मौजूद है। तीनों महामंत्री मौजूद हैं बैठक में और बैठक में संगठन और सरकार में समन्वय और सामंजस्य बनाकर को लेकर चर्चा की जा रही है और उसके साथ ही किस रूप में आने वाले समय में पंचायत चुनाव को फतह करना है, नगर निगम के चुनाव को फतह करना है और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को फतह करना है, इन तमाम विषयों को लेकर बीएल संतोष सभी को मूल मंत्र दे रहे हैं। और इसके साथ ही जो कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारियों की नियुक्ति की थी समीक्षा करने के लिए कि 47 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी, 23 सीटों पर हार का सामना क्यों करना पड़ा, लिहाजा ये रिपोर्ट जो है अनुशासन समिति को, हाईकमान को भेज दी गई थी, उस पर भी बीएल संतोष चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रचार प्रसार में तो कोई कमी नहीं रही, विजय संकल्प यात्रा निकाली गई कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में और जनता से लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को बताया गया। हाँ। शहीद सम्मान यात्रा भी निकली, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों की जनसभाएं हुई, मुख्यमंत्री की जनसभाएं हुई, ऐसे में चूक कहाँ रह गई, मुख्यमंत्री अपनी जो विधानसभा सीट है खटीमा क्यों हार गए। हाँ। इन तमाम विषयों को लेकर चिंतन मंथन हो रहा है और इन सीटों पर मजबूत स्थिति में आने के लिए
बीजेपी का जो हार्ड कोर कार्यकर्ता है उसको ग्राउंड पर उतरने के निर्देश जो है संगठन महामंत्री के द्वारा दिए जा रहे हैं और करीब एक से डेढ़ घंटा तक ये बैठक अभी और चलेगी, उसके बाद देर शाम को बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और यहाँ का फीडबैक जो है केंद्रीय हाईकमान को देंगे। तो ये आज मोटा मोटा दो दिन का जो प्रवास रहा है बीएल संतोष का, ये रहने वाला है। दर्शकों को बेहतर तरीके से समझाया कि कल का क्या कार्यक्रम रहा और आज किस तरह से बैठक हो रही है और उसमें क्या एजेंडा रहेगा। बने रहिए आप हमारे साथ, अगली खबर का रुख करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में होगी उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक और जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा की अध्यक्षता में बैठक होगी और उत्तराखंड में कांग्रेस की आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। वरिष्ठ नेताओं से फीडबैक लेंगे पीसीसी चीफ करण मेहरा और पार्टी के सभी नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश होगी और पार्टी के सभी अनुशासित संगठनों के अधिकारियों की बैठक होगी, जो सभी संगठन हैं उनके नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये इस वक्त उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है और उत्तराखंड में जिस तरीके से चुनाव में हारने के बाद संगठन में बड़े बदलाव किए गए हैं, अब उत्तराखंड के नए कांग्रेस अध्यक्ष ने इस बाबत बड़ी बैठक बुलाई है। रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, अब देखिए चुनाव में हार के बाद संगठन में बड़ा बदलाव किया गया था कांग्रेस में, अब उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष महारा साहब हैं, बैठक बुलाई है, इस बैठक में क्या एजेंडा रहेगा, क्या कांग्रेस के सभी संगठन के लोग इसमें शामिल होंगे? बिल्कुल अंजनी, आज की बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बतौर प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद करण महारा की बतौर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर ये पहली बैठक है और ये बड़ी बैठक है और इस बैठक में उत्तराखंड कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के जो चारों फ्रंटल के अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहेंगे, प्रकोष्ठों के जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहेंगे। उनके साथ चर्चा होगी कि इस बार चूंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और जो कांग्रेस का हार्ड कोर कार्यकर्ता है, जो ग्रास रूट लेवल पर कार्यकर्ता है, उसने बड़ी मेहनत की है और कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते कांग्रेस की सरकार बनेगी और हुआ बिल्कुल उसके अलर्ट और उलट और कांग्रेस को जोर का झटका बहुत धीरे से लगा है और कांग्रेस का जो हार्ड कोर कार्यकर्ता है जो जमीन पर लगातार काम कर रहा था वो इस समय बिल्कुल हताश और निराश हो चुका है और इसी के तहत ये बैठक बुलाई गई है कि जो कांग्रेस के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में हैं, संगठन के लिहाज से सभी जिला अध्यक्षों को, फ्रंटल के चारों अध्यक्षों को, प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि उत्तराखंड में कांग्रेस के हताश और निराश कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से बूस्टअप करने का प्रयास करना होगा। बने रहिए और इसके साथ ही संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं हरिद्वार से। संजय, कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, चुनाव में हार के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल थोड़ा उस पर असर पड़ता है, लेकिन अब आगे की रणनीति पर, जैसे इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आगे की रणनीति पर चर्चा होगी क्योंकि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव होने हैं तो उसको लेकर भी तमाम जो नेता वहां पर पहुंच रहे होंगे उसको उस रणनीति पर भी चर्चा होगी क्योंकि अब जो चुनाव हार गए उस पर रणनीति होगी, लेकिन आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे आगे चुनाव की रणनीति बनाई जाए उसको लेकर भी मंथन होगा। देखिए अंजनी, लगातार ही कांग्रेस का यह प्रयास रहा है, जिस तरह से इस बार 2022 के चुनाव में कांग्रेस को हार मिली है और कांग्रेस की यह सोच थी कि जो मिथक था और जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका फायदा उठाकर कांग्रेस इस बार सत्ता में आ जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार प्रयास था उनका कि इस बार जनता उनको अपना पूरा समर्थन देगी, लेकिन जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद नहीं दिया है और इस बार कांग्रेस की हार हुई है। हालांकि 21 सालों का एक मिथक था वो भी कहीं ना कहीं टूट गया है, जिसके बाद लगातार ही जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उन्होंने लगातार इस्तीफा देना शुरू कर दिया था। हालांकि अगर प्रीतम सिंह की बात की जाए या फिर गणेश गोदियाल की बात की जाए तो तमाम लोग अपना ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि शायद हमारी वजह से हार हुई है और यही कारण है जो कांग्रेस में जो आपसी मतभेद है, जो फुटबाजी की राजनीति है और इस कारण लगातार हार हुई है। लेकिन इस बार कांग्रेस से चाहती है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें बेहतर प्रदर्शन रहे और हालांकि जिस तरह से पंचायत चुनाव होने हैं उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन रहे, तो इन्हीं सब बातों को लेकर अब जो आज की बैठक है, हालांकि नवनियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष है करण महारा वो आज की बैठक लेंगे और तमाम जो रूठे हुए नेता है उन्हें लगातार मनाने का प्रयास भी किया जा रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक जो विधायक है नेता है वो लगातार आपसी गठजोड़ के कारण नाराज
नाराज चल रहे हैं और जिस तरह से नए पद भी ले नेता प्रतिपक्ष हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी हो तो तमाम तभी से आप देख रहे हैं कि लगातार जो नाराजगी है वो लगातार सामने आ रही है। चलिए संजय और रोहित आप हमारे साथ बने रहिए, ये महत्वपूर्ण बैठक है, देखना ये होगा कि इसमें क्या कुछ बड़ी बातें निकल के सामने आती। लेकिन हार पर मंथन के साथ साथ संगठन को एक करना और अगले चुनाव में जुट जाना, इसको लेकर चर्चा होने की संभावना है।